क्या होगा अलग अलग डिस्कस करेंगे। जी तो पहले मान लीजिए कि कंसीडर कीजिए कि हमें सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पीस है ना, जिसकी इनिशियल थिकनेस डी जीरो है। उसकी इनिशियल थिकनेस यानी कि जब आप उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तब उसकी थिकनेस जो है वो क्या है, डी जीरो। और जब आप उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब उसकी मान लीजिए थिकनेस है डी। तो इस कंडीशन पर उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स जो हमने एफ माना है तो वो होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा आर वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी जो भी हमने पीस दिया है, जो मटेरियल दिया है जिस उसकी परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन आर जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर वी है जो कि अप्लाइड वोल्टेज है, और डी डी जो कि हमने पहले ही देख लिया था कि डी क्या है कि थिकनेस आफ्टर अप्लाइड हाई वोल्टेज फील्ड। तो ये हम उसको इस इक्वेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं कि एफ इक्वल टू होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम मैकेनिकल कंप्रेसिव फोर्स की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, ये मैकेनिकल ये होता है यंग्स मॉडुलस ln d 0/dt, यानी दोनों, पहला आपका इनिशियल जो आपका d है यानी कि जब आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है उस टाइम की थिकनेस, डिवाइडेड बाय आफ्टर अप्लाइंग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दो बच्चे जी, तो ये होता है। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस रेशियो ऑफ, क्या होता है, शेयर स्ट्रेस ऑन शेयर स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस आपने पहले देखा होगा। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम इन्हें मान सकते हैं कि ये दोनों जो एक तो आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स, और दूसरा आपका हो गया मैकेनिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये फोर्स हम इन दोनों को क्या मान देंगे, इक्वल मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 जो पहला वाला इक्वेशन था उससे, एप्सिलॉन आर वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर दैट इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ln d 0/dt। अब हम इसको सिर्फ हमें वोल्टेज देखना है कि हम इस इक्वेशन को वोल्टेज यानी जो वी लिखा हुआ वी है इसके फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो वो फिर कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। ये देखिएगा, वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 2 y एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ln d 0/dt, जहां पर हमने ये जो दिख आपको ये पूरा हमें इसको 2 y एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर को हमने k से डिनोट किया, चित्र कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा k इनटू d स्क्वायर ln d 0
वाई डी। अब क्या होगा, इसके दोनों साइड को हमको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो भाई इतने यार लगातार चले आ रहे हैं थोड़ा सा। चलिए दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या होगा जो वी है वो टू वी जी बी वाई के इंटू आपका सिंपल सा डिफरेंशिएट का फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर ये लगा दिया, फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया, यहाँ पर टू जो है और ये जी के साथ करेंगे, इसका करेंगे तो टू डी हो जाएगा और एल एन डी बाई जीरो माइनस अब फर्स्ट को कॉन्स्टेंट जैसा छोड़ेंगे, सेकंड को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है और ये क्या है तो रू इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट जो स्टेप है टू डी एल एंड डी जीरो बाई डी, ये वाला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये क्या है इक्वल टू डी, ठीक है। तो एल एंड डी जीरो बाई डी इक्वल टू होगा वन बाई टू, और जब इसका हम एंटीलॉग निकालेंगे तो इन दोनों का रेशियो यानी कि अप्लाइड करने के पहले की थिकनेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की पहले की थिकनेस और बाद की थिकनेस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 0.6 0.6। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर आप इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या है इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि वो 0.6 जो है 0.6 उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का 0.6 पर जो है वो उतना ही डिफॉर्मेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा इसका डिफॉर्मेशन अगर होता है तो क्या होगा आपका ब्रेकडाउन आ जाएगा, लेकिन ये जो सॉलिड मटीरियल है वो ब्रेक डाउन कंडीशन में आ जाएगा, यानी उसके बाद क्या होगा उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। अब इसी जो स्क्वायर था आपका यहाँ पर हम इसको डी बाई डी के लिए फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, जैसे पहले तो हम इसको v के लिए सॉल्व करते हैं जी, यहाँ पर तो डी बाई डी जब निकाला तो जो अंडर रूट टू वाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर एल एन 1.6 जो है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आ गया है तो इसको हमने यहाँ वैल्यू क्या लिख दी है इसकी 1.16। तो ये कंडीशन रहेगी दोनों कंडीशन होगी, अगर आपका जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका कोई एक नॉर्मल पीस है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगाई है तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट बी डिस्काउंट फ्रॉम 0.16%। और ऐसा ही अगर मैकेनिकल इसके जस्ट अपोजिट में अगर अपन देखें G0/D करें तो उसका जो रेशियो रहेगा वो कितना 1.67% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें एक क्या होता है, इससे क्या लिमिट पता चल गई कि हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है वो भी सेफ रहे, वो ब्रेक डाउन कंडीशन में ना आए। और उसी से क्या होता है, हमारा जो भी सेटअप बना हुआ है तो वो उसको भी हम इससे प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली होता है क्या, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर तो राइज होगा ही, और टेम्परेचर राइज होगा एज वेल एज इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी और जो फील्ड फ्लो होगी तो क्या होगा, ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऊपर जो आएगी तो क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के लिए वो मैक्सिमम ई मैक्स होगी 0.6%, यानी 0.6 इंटू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई ई जीरो ई आर एंड ये सब पूरा अंडर रूट। तो इसका छोटा सा डेरिवेशन आप उसमें भी देख सकते, गुप्ता जो बुक है उसमें भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, उच्चता शर्मा। इसी के कारण जो होती है वो क्या, थर्मल ब्रेकडाउन अगर आता है तो ज्यादातर जो थर्मल ब्रेकडाउन होता है मोस्टली वो काय के कारण आता है, इंसुलेशन जो होता है वो इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू हाई वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, इंसुलेशन फेलियर हो गई। और मैक्सिमम जो आपके हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स है वो फेलियर ड्यू टू थर्मल ब्रेकडाउन के रीजन से ही होते हैं। जब भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्शन करंट फ्लो होता है ना, और क्या होता है करंट धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जाता है। जब और जब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है उसका वो भी इंक्रीज होते जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी हीट जो हीट है हीट जनरेट होगी, और उससे फिर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आप इंसुलेटर है ना, वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। इसमें दो चीज और है, इसमें एक आती है क्रीम और ट्रैकिंग, क्रीम और ट्रैकिंग आती है सॉलिड इलेक्ट्रिक्स में। और ट्रेनिंग का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप एक कोई मटेरियल है, मान लीजिए एक इंसुलेटर है, तो उसमें क्या होता है कि ये इसका मेन रीजन आपका जो होता है वो मास्टर कंटेंट से रिलेट होता है। ट्रेनिंग मतलब आपने देखा होगा, आप बारिश के दिनों में या कहीं पर भी अपने बाहर दीवारों पर देखा होगा तो एक अनइक्वल टाइप की जो है लाइनें बन जाती है दीवार पर, क्रैकिंग आ जाती है। आपने कई घरों में दीवारों में देखा होगा क्रैकिंग आ जाती है, तो वो क्रैक कोई एक उसमें नहीं होती एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, बल्कि वो कहीं भी कभी आधी इधर टूट गई कभी इधर टूट गई, तो उस टाइप से इंसुलेटर में भी आ जाता है ना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ट्री जैसा होने जाता है। जैसे कि आप आपने बेल देखी होगी, बेल में क्या होता है एक इस तरफ डाली मुड़ गई दूसरी इस तरफ से डाली मुड़ गई, वो ट्रीम कहलाती है। तो इसमें भी क्या होता है, जो एक जगह से जो इसमें क्या कहीं ना कहीं पर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसे भी इक्विपमेंट जैसा वो मटेरियल हो उसमें कहीं ना कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं
करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं। यार करंट को फ्लो होने के लिए अपनी पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता। मतलब यानी कि जो आपके पेड़ की डालियाँ जैसे मूवी होती है, सेम उसी तरीके से ये होती है। और इसका एक प्रोटेक्शन का एक बचाने का एक ये है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको जो भी इंसुलेटर में अगर लगा हुआ है उस वो हमेशा साफ रहे, है ना, क्लीन रहे। और या तो उसके मास्टर उस पर जो है वो जम ना पाए, मास्टर कंटेन ना हो पाए, उसके लिए आप चाहे तो पेंट करें या ग्रीस वगैरह जो होता है, ग्रीसिंग होती है, ग्रीसिंग हो प्रॉपरली। ये अगर आप करते रहते हैं तो भी जो इंसुलेटर को आप है उसको प्रोटेक्ट अपनी कर सकते हैं, सॉलिड इंसुलेटर है। तो और मैं आपको ये तो देखती हूँ, मैं काफी बाद में देखी हूँ ये क्लब मैकेजिन है। इसमें क्या है, क्लब मैकेजिन नाम ये मान